गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे बच्चे 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट सम हम कर चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको पूरा क्लियर किया था कि व्हाट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल। मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशंस गिवन होंगी जो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी, तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके पहले उसे लीनियर बनाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y = 2। आप क्या कर सकते हो, इसे राइट कर सकते हो 2 × √x। ओके, और सेकंड जो आपका है इसे आप राइट कर सकते हो 3 × √y, दैट इज इक्वल टू 2। नाउ सेकंड जो आपके पास है इसे आप राइट कर सकते हो 4 × √x - 9 × √y, दैट इज इक्वल टू -1। अब आपने क्या करना है, ये जो 1 √x है इसे आप अनदर वेरिएबल, मैंने p लेट करूंगी मैं इसके अंदर, और जो 1 √y है इसे मैं क्या लेट करूंगी, q। नाउ लेट 1 √x इज इक्वल टू p एंड 1 √y इज इक्वल टू q पुट कर देंगे इसके अंदर, तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है जब मैं इसके अंदर p पुट करूंगी तो ये मेरा बन जाएगा 2p। ओके, दैट इज 2p + 3q इज इक्वल टू 2, और मैं इस इक्वेशन का नेम दूंगी इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली सेकेंड बनेगी मेरी 4p - 9q, दैट इज इक्वल टू -1, और इस इक्वेशन का नेम मैं क्या दूंगी, 4। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसके अंदर अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट मैं कौन सी यूज करूंगी, एलिमिनेशन। ओके, बट बिकॉज एलिमिनेशन जो है इन तीनों मेथड से सबसे अच्छा मेथड रहता है, तो आप क्या करोगे, आपको कोफिशिएंट इक्वल करने हैं या पी के करोगे या फिर क्या होगे। तो मैं यहाँ पे पी के कोफिशिएंट इक्वल करने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इसे 2 के साथ और इसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 के साथ। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 एंड इक्वेशन 4 by 1। इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ 2 के साथ और इक्वेशन 4th को मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4p + 2 × 3 = 6q, दैट इज इक्वल टू 2 × 4। इक्वेशन का नेम क्या हो जाएगा हमारा, 5th। नाउ 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम टू सेम इक्वेशन बनेगी आपकी, दैट इज 4p - 9q, दैट इज इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या होगी आपके पास, 6। 4p आपके दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5th। सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएंगे आपके, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा 15q, दैट इज इक्वल टू 5, देन q इज इक्वल टू 5/15, कट करोगे आपके पास आ जाएगा 1/3। अब q की वैल्यू को आपकी मर्जी है, चाहे आप 3 में पुट करो या 4 में पुट करो। ओके, नाउ पुट q इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। 3rd के अंदर हम पुट करेंगे तो आपके पास आएगा, 3rd क्या था हमारे पास, 2p + 3q इज इक्वल टू 2। नाउ 2p + 3 × q, q कितने है हमारे पास, 1/3, दैट इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, 2p + 1, दैट इज इक्वल टू 2। नाउ 2p इज इक्वल टू 2 - 1, विच इज इक्वल टू 1, देन p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1/2। बट दीज आर नॉट आवर आंसर्स, बिकॉज इन क्वेश्चन वी हैव द वेरिएबल x एंड y, तो आपको वैल्यू भी किसकी निकालनी होगी, x और y की। नाउ p आपका किसके इक्वल था, 1/√x के, आप राइट कर दोगे यहां पर, 2 पार्ट बना लेना, 1/√x इक्वल टू p एंड 1/√y इक्वल टू q। p की वैल्यू पुट करो, 1/√x इज इक्वल टू p, p हमारे पास कितना है, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √x इज इक्वल टू 2। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करोगे दोनों साइड, ये आपके पास स्क्वेयर से रूट कट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। सिमिलरली इसे सॉल्व करोगे, क्यू की वैल्यू पुट करोगे, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √y = 3, स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ भी, √y का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, देन y = क्या हो जाएगा आपका, 9। दीज आर द आंसर्स। ओके बेटा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा पार्ट थर्ड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।